क्लास 10 आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और उसके बारे में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स आप क्लास 9 में पढ़े हैं और वहाँ पे क्लास 9 में आप पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको सब कुछ बताया गया होगा। अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेस ऑन टर्म वाइज, दूसरा बेस ऑन द डिग्री वाइज। हमने टर्म वाइज पढ़ दिया, हमने टर्म वाइज में क्या पढ़ा है, मोनोमियल्स पढ़े हैं, बायनोमियल्स पढ़े हैं, ट्राइनोमियल्स पढ़े हैं, ये हमने क्या है, और पॉलिनोमियल्स पढ़े, जिसमें नंबर ढेर आप सारे टर्म्स हो, उसे क्या कहेंगे हम पॉलिनोमियल्स। अब हमको क्या पढ़ना है, बेस ऑन डिग्री वाइज, हमको डिग्री वाइज पढ़ना है। चलिए ज्यादा नहीं, हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, पॉलिनोमियल्स के थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं क्या होता है, उसके एक्सप्रेशन के बारे में, पॉलिनोमियल्स के डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं और थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के ही बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x^n + a1 x(n+1) + .an - 1 x + an, वेयर a0 a1 a2 .an आर रियल नंबर। ये हमारे कैसे होंगे, रियल नंबर, एंड n इज अ होल नंबर, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल्स ऑफ x। ये हमारा क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया, किसका हो गया, ये पॉलिनोमियल का क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, किस कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हो गया। और इसमें यहाँ पे a0 a1 a2 ये सब क्या हमारे हैं, ये हमारे क्या है, रियल वैल्यूज हैं। और यहाँ पे हमारा ए होगा a0 ≠ 0 के, ये हमारा ए क्या होगा, a0 जो होगा किसके, नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होगा। और इसमें इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ द टर्म है, इसमें नंबर ऑफ द टर्म n+1 टर्म्स इसमें हैं। और यहां पे हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म है a0 कभी भी हमारा क्या होगा, जीरो नहीं होगा। और जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, वो डिग्री क्या होगी, कंप्लीट नंबर, होल नंबर होगी, फ्रैक्शन में नंबर्स नहीं होंगे, ना ही डेसिमल में नंबर होंगे। जो हमारे एक्स के वेरिएबल्स के जो पावर होंगी वो कैसे होंगे, होल नंबर होंगे। तो अब इसके बारे में ये हमारा क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल्स के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बेस ऑन डिग्री। अब हम बेस ऑन किसके पढ़ेंगे, डिग्री के बेस पे पढ़ेंगे, बस सिस्टम। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल x²+2x+3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल हमने क्या लिख दिया, x²+2x+3, ये पॉलिनोमियल हमने लिख दिया, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। अब इसी प्रकार से बात करोगे बेस ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए हम बेस ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो कितने टाइप के डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए हम बेस ऑन डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, तो पहला हमारा होता है क्या होता है, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा हमारा हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा हमारा हो जाता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, बेस ऑन डिग्री पे 4 प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल और चौथा होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमको 4 तरह के पॉलिनोमियल क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो अब इसको हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तब तक आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।